गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो जो है पेस बॉलिंग का कंटिन्यूएशन वीडियो है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आपको पैड कैसे पहनना है। एंड नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैं पैड पहनना है कैसे, ये पेस बॉलिंग के सीरीज में कैसे। मैंने सोचा कि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो पेस बॉलिंग में आउट हो जाते होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि आपको पैड कैसे पहनना है ताकि आप आउट नहीं हो। तो लेट्स बिगिन आफ्टर द इंट्रो। सो बिफोर आई टेल यू कि कैसे क्यों ये जरूरी है, आई विल टेल यू हाउ टू पैड अप। एंड व्हाइल आई विल बी पैडिंग अप आई विल एक्सप्लेन यू कि मैं क्यों वैसे पैड अप कर रहा हूँ। पैड जब भी उठाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा स्ट्रैप जो है वो अंदर के तरफ हो। आई विल टेल यू द रीजन क्यों ये होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लेंगे एंड वी विल मेक श्योर कि हमारा स्ट्रैप जो है वो अंदर की तरफ हो, ना कि बाहर की तरफ। एक और चीज़ कि जब भी आप पैड खरीदें ना, कोशिश करें कि पैड आपके पैर के साइज का होना चाहिए, मतलब पैर के ब्रेथ। जितना आपका पैर आपका चौड़ा है उतना ही पैड वैसा ही स्ट्रैप होना चाहिए। अननेसेसरीली लॉन्गर स्ट्रैप जो है ना आपको नुकसान करेगा। आप कोशिश कीजिए कि कभी भी पैड ऐसा ढूंढिए जिसमें स्ट्रैप जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो। ओके, अगर थोड़ा सा बच भी जाता है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रैप तो बच ही जाएगा, तो ऐसे उठा निकाल के ऐसे हम लोग चिपका लेंगे। ऑलराइट, हल्का सा मोड़ के चिपका लेंगे एंड दैट दिस बिकम्स a strapless pad for me. मतलब I don't have straps here, I don't have straps here, no straps here either. So this is perfect for me. Now I'll tell you the reason why I asked you. मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि क्यों मैंने बोला कि आपको अंदर की तरफ पैड लगाना है और स्ट्रैप बाहर नहीं होना चाहिए। So suppose if I had put this otherwise, उल्टा में डाला होता, ऐसे अगर डाल के रखा ना अगर मैं, तो मेरा पैड हल्का सा स्ट्रैप निकला हुआ रहता। अगर स्ट्रैप को निकला नहीं भी होता, अगर मेरा पैड ऐसे मैंने फोल्ड करके लगा भी लिया होता, तब भी थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रैप हवा में झूलते रहता। इससे नुकसान क्या होता है कि जब भी आप पेस बॉलर को खेल रहे होंगे तो आपका एक समय आ सकता है या फिर एक बॉल ऐसा आ सकता है लेग स्टंप पे है और आप चाह रहे हैं छोड़ना, या फिर आप खेलना चाहें और आपके बैट पे नहीं लग के वो वाइड जाता है, आपके बगल से गुजर जाता है और हल्का सा इसका थिनेज लेके जाता है। उससे क्या होगा, हल्का सा बॉल डेविएट होगा और कीपर के हाथ में जाएगा और इस डेविएशन की वजह से अंपायर को ये लगेगा कि आपके बैट पे थिनेज लगा है और देर विल ऑलवेज बी अ साउंड, हल्का सा चिक करके आवाज करेगा। बिकॉज ऑफ दैट साउंड इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन द अंपायर्स माइंड कि ये आउट हो सकता है, तो वहां पे शायद आपको आउट का डिसीजन दे दिया जाए और आप आउट हो जाए। और आप ऐसे बड़े लेवल पे हैं भी नहीं कि आप टीवी अंपायर को या फिर रिव्यू के लिए बुलाएं। तो फॉर एग्जांपल आपका एक क्रूशियल फाइनल मैच था, वहां पे अगर थर्ड अंपायर डिसीजन नहीं है अवेलेबल, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास अवेलेबल नहीं है रिव्यू, उस समय हो सकता है कि आप आउट हो जाए। क्रूशियल पोजिशन था, आपके पास रिव्यू अवेलेबल नहीं था, हो सकता है कि आप वो मैच हार जाते। तो इसीलिए कंफ्यूजन कंप्लीटली हटाने के लिए, क्योंकि देखो भाई आपको अंपायर से लड़ाई तो नहीं करना है, अंपायर से लड़ाई करना इज अनदर ऑफेंस इन क्रिकेट। आपको कोशिश करना है कि जितना मिनिमाइज कर दिया जाए उतना बेहतर रहेगा बैट्समैन के लिए, क्योंकि बैट्समैन नहीं चाहेगा कि अंपायर से कॉन्फ्लिक्ट हो मेरा। ये कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए पैड को जो है सीधा पहने, उल्टा नहीं पहने। ये पहनना उल्टा तरीका हो गया, यहाँ पे थिनेज लगने का चांस है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फोल्ड भी कर लेते हैं अपना, फॉर इंस्टेंस फोल्ड करने के बाद भी कभी कभी स्ट्रैप खुल जाता है ना, अपने आप खुल जाता है दौड़ते दौड़ते। अगर मान लीजिए खुल के आपका ध्यान नहीं रहा एंड यू आर प्लेइंग और गए फिर से यहाँ से थिनेज लगा और गया, तो आपको और अंदर अगर खुल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल्का सा पैड स्टक करेगा बस, वो भी दौड़ते वक्त लगा लेंगे, आउट होने का तो चांस नहीं रहेगा ना। इसीलिए मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ, बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे लोग ऐसे भी पैड पहनते हैं, गलत नहीं है, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू पैड जो कि अभी आपको मैं दिखाया। ऑल्सो आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जिनका स्ट्रैप जो रहेगा ना, वो देखिएगा अंदर की तरफ रहता है, इसका रीजन ही यही है। वैसे लेवल पे हैं तब भी वो बाहर नहीं रखते हैं, जिनका बहुत बड़ा हैबिट हो गया ना, वो बहुत ऐसा हैबिट हो गया कि वो बाहर ही रखते हैं, उनका अलग बात है। लेकिन आप मेजॉरिटी लोगों का देखिएगा स्ट्रैप अंदर की तरफ रहेगा,
वो जो थोड़ा सा जो माइन्यूट सा जो चांसेस है ना कि आउट होने का या फिर गलत डिसीजन होने का, उसको भी कम करना चाहते हैं। इसी यही रीज़न होता है कि वो लोग अंदर की तरफ पैड पहनते हैं। आप ऑब्जर्व करके देखिएगा बहुत सारे प्लेयर्स का। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपका पैर जो पैड जो है आपके पैर से स्टक रहे, लेकिन डू नॉट टाइट वेरी टाइटली, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, डोंट टाइट टू टाइटली। इफ़ यू टाइट टू टाइटली आपका ब्लड सर्कुलेशन उधर नहीं होगा, आपका पैर जो है वीक फील करने लगेगा। तो डोंट टाइट टू टाइटली, हाउएवर इतना भी लूज टाइप मत कीजिए कि आपको एकदम फील ही नहीं हो, मतलब लगे कि पैर बाहर आ जा रहा है, पैड बाहर जा रहा है। तो एकदम बीच में मॉडरेशन में रखिए, बहुत ज़्यादा कस के मत बांधिए, क्योंकि कस के बांधिएगा तो यहाँ पे यार ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा, दिक्कत होता है। तो बहुत तेज़ धूप है और आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि कितना तेज़ धूप है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यार हम लोग धूप में शूट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, दैट गिव्स अस मोटिवेशन टू क्रिएट अनदर कॉन्टेंट फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कैसे पैड करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे पैड करते हैं, क्या है? आप इसी स्टाइल में पैड करते थे, क्या आपका दूसरा स्टाइल था? आई वुड लव टू नो दैट इन द कॉमेंट बॉक्स, तो बताना मत भूलिएगा। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स जो कि उल्टा पैड पहनते हैं या फिर कैसे भी पैड पहनते हैं, क्रिकेट खेलते हैं अगर वो, आप शेयर कर सकते हैं। वो भी जाने कि कैसे सही तरीका होता है पैड पहनने का, कैसे वो आउट होना अवॉइड कर सकते हैं, ऐसे अनफॉर्चुनेट चांसेस को बंद कर सकते हैं। ऑल्सो हम लोग को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले, वी कीप ब्रिंगिंग सच वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस एंड keep supporting us, I mean, we love the support. Anyway, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, keep smiling and practice hard, because I believe that you, my dear friend, are a future legendary batsman.